हेलो फ्रेंड्स, ओम बिथराकी ब्लॉग में आपका स्वागत है। लो फिर लेकर आ गई एक और नई रेसिपी, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल साधारण बैंगन टमाटर आलू की सब्जी जो नॉर्मली हम घर में बना सकते हैं। कुछ इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। यह मैं ली हूँ 3 टमाटर, 6-7 आलू काट ली थी, बैंगन एक है। अब हमारा कढ़ाई हो गया है गरम, अब उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल, देखिए फ्रेंड्स हमारा तेल हो गया है गरम। अब इसमें डालूँगी मैं जीरा, जीरा हमारा चटक जाएगा तो इसमें मैं डालूँगी 6-7 काटी हुई लहसुन काट कर मैंने डाल दी। अब इसको हल्का सा लाल कर लूँगी, उसके बाद डालूँगी मिर्च, मैंने 2 मिर्च छोटे छोटे काटे थे। अब मैं आलू डाल दूँगी, आलू इसको कुछ देर मैं भूनूँगी फ्रेंड्स, हल्का लाल हो जाए उसके बाद, ये हल्का सा भून जाए, बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स बैंगन की सब्जी। रोटी चावल के साथ, कुछ भी के साथ खाओ, बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं डाल दी हूँ बैंगन, बैंगन डालकर अब इसको थोड़ी देर भून लूँगी, इसको मैं कुछ देर ढक कर भूनूंगी फ्रेंड्स। पाँच मिनट ढक के भूनूंगी, हमारा हो गया है 5 मिनट। अब इसको एक बार देख लूँ मैं, देखिए सब्जी हमारा भून चुका है। अब इसमें डालूँगी मैं टमाटर, इसको भी कुछ देर मैं ढक के भूनूंगी जिससे टमाटर हमारा सॉफ्ट हो जाए, बैंगन आलू भी हल्का सा सीज जाए हमारा। अब देखिए 5 मिनट हो गई हैं, अब देखिए सब्जी हल्का हल्का सॉफ्ट हो गया है, टमाटर हमारा घुल सा गया है। इसमें डालूंगी थोड़ा सा हल्दी, अब डालूंगी इसमें 1 चम्मच मसाला, ये मेरा मिक्स मसाला है, इसमें हल्दी मिर्च वगैरह सब मिक्स है, नमक स्वाद अनुसार। अब इसको मैं कुछ देर भून लूँगी, अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी, हमारा मसाला हल्का सा चिपकने लगा है, अब इसको पानी डालकर हल्का सा भूनूँगी 2-3 मिनट। ये मसाला ज़्यादा ना भूनने से जल जाता है, इसलिए हल्का सा ही 5-10 मिनट भूनना बहुत है। अब पानी डालकर मैं मिक्स कर लूँगी इसको, थोड़ा सा और पानी कम लग रहा है मुझे, मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी। अब इसको ढक दूँगी आलू सीजने के लिए, देखिए फ्रेंड्स मेरी सब्जी लटपट बन गई है। अब इसमें डालूंगी मैं धनिया का पत्ता, अब इसको मैं मिक्स कर लूंगी, देखिए हमारा सब्जी बन के हो गया है रेडी। गैस कर लूँगी मैं बंद, अब इसको मैं एक बर्तन में निकालूँगी, देखिए फ्रेंड्स हमारी सब्जी कितनी अच्छी लग रही है। सब घर का सामान मैंने यूज़ किया है,